पारशरी ज्योतिष पद्धति अनुसार किसी स्त्री की जन्म कुंडली में गुरु पति का कारक ग्रह है, वही नाड़ी ज्योतिष पद्धति के अनुसार मंगल को पति का कारक माना गया है। नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में मंगल पर आने वाले प्रभाव ही यह बताते हैं कि स्त्री का पति कैसा होगा, स्त्री का वैवाहिक जीवन कैसा होगा। मंगल अगर शुभ प्रभावों में है तो नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि ऐसे में स्त्री का वैवाहिक जीवन सुखमय होगा। वहीं मंगल अगर पाप प्रभाव में है, पीड़ित प्रभाव में है, तो स्त्री का वैवाहिक जीवन कष्ट में होगा। ऐसे में ज्योतिष के छात्रों के मन में अक्सर एक प्रश्न आता है कि मंगल और गुरु इन दोनों में से किसको पति का सही कारक माना जाए। मंगल और गुरु के ऊपर दोनों ज्योतिष पद्धतियों में, पराशरी और नाड़ी ज्योतिष में, इतना बड़ा मतभेद क्यों है। अगर हम नाड़ी ज्योतिष पद्धति की बात करें तो नाड़ी ज्योतिष पद्धति यहाँ पर स्पष्ट रूप से सीधा सीधा लॉजिक देती है। नाड़ी ज्योतिष कहती है कि काल पुरुष कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं तो प्रथम भाव में मेष राशि आती है और सप्तम भाव में तुला राशि आती है। काल पुरुष कुंडली के अनुसार प्रथम भाव पुरुष का और सप्तम भाव स्त्री का भाव माना गया है। वहीं जब हम स्त्री की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब प्रथम भाव स्त्री का और सप्तम भाव पुरुष का माना जाता है। तो प्रथम भाव के जो स्वामी हैं वह मंगल है, अर्थात मंगल पुरुष को इंडिकेट करता है। वहीं सप्तम भाव के स्वामी होकर शुक्र स्त्री को इंडिकेट करता है, जिस कारण से नाड़ी ज्योतिष मानती है कि मंगल ही पति का स्पष्ट रूप से कारक है। और नाड़ी ज्योतिष में जब हम मंगल को लग्न मानकर किसी स्त्री की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तब हमें बहुत ही सटीक रिजल्ट प्राप्त होते हैं। वहीं बात आती है गुरु की, तो नाड़ी ज्योतिष कहती है कि जब हम काल पुरुष कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो गुरु को नवम भाव और द्वादश भाव का आधिपत्य प्राप्त है। नवम भाव धर्म का और आध्यात्म का भाव है। गुरु ग्रह की अगर हम कारकों की बात करें तो गुरु को ईश्वर का, पुजारी का, डॉक्टर का और हमें मार्गदर्शन देने वाले, हमें पढ़ाने वाले, हमें शिक्षा देने वाले गुरु का कारक माना गया। इसलिए नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि जिस व्यक्ति में आपने अपने ईश्वर का दर्शन किया हो, जिसमें आपने अपने गुरु का दर्शन किया हो, उस पुरुष में आप पति की इच्छा नहीं कर सकते। और यह सनातन का सिद्धांत भी है। सनातन कहता है कि हमें गुरु को गुरु के समान ही सम्मान देना चाहिए। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो गुरु ग्रह एक मैच्योर पर्सन को दिखाता है। वही मंगल एक शक्तिशाली और वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी काम वासना को दिखाता है। इसलिए नाड़ी ज्योतिष स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी स्थिति में गुरु पति का कारक नहीं हो सकता। अब ऐसे में प्रश्न आता है कि क्यों पाराशरी में गुरु को पति का कारक मान लिया गया। तो देखिएगा, पहली चीज तो कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है जिसके कारण कि कुछ विद्वानों ने गुरु को ही फिक्स रूप से पति का कारक मान लिया। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि गुरु को धर्म का कारक माना गया है, तो किसी भी स्त्री का जो धर्म है वह पति के अनुरूप होता है। विवाह से पूर्व स्त्री का अपना कोई गोत्र नहीं होता, अपना कोई धर्म नहीं होता। विवाह के बाद स्त्री जिस घर में जाती है, जिस धर्म में, जिस कुल में ब्याती है, वह धर्म ही उसका अपना धर्म हो जाता है। पति का जो गोत्र है वह उसका गोत्र हो जाता है। तो गुरु को क्योंकि धर्म का कारक माना गया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि विवाह के बाद पति का जो धर्म है उसको धारण करने के कारण गुरु को पति के उस धर्म का कारक माना जाता है। अब इसीलिए मैं कहता हूं कि कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, क्योंकि गुरु पति का धर्म दिखाता है, गुरु पति का कुल दिखाता है, किंतु गुरु पति को नहीं दिखाता। इन दो बातों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम बात करते हैं इंटरकास्ट मैरिजेस की, जब बात करते हैं इंटर रिलीजन मैरिजेस की, तब गुरु अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुरु हमारा धर्म है। जब हम इंटर रिलीजन मैरिज करते हैं तब स्त्री का जन्म किसी दूसरे धर्म में हुआ होता है, और वो जो धारण करती है, जो उसका पति है, वो दूसरे धर्म से होता है।
तो जो धारण किए जाने वाला धर्म है वह गुरु है। तो ऐसे में अगर किसी स्त्री की जन्म कुंडली में गुरु पाप प्रभाव में है, गुरु पीड़ित है, गुरु अपनी नीच राशि में है, तब ये कहा जा सकता है कि ऐसी स्त्री का जन्म किसी दूसरे धर्म में हुआ होगा, उसके पिता किसी दूसरे धर्म, किसी दूसरी जाति, किसी दूसरे कुल के होंगे, वहीं उसका पति किसी दूसरे धर्म, दूसरी जाति, दूसरे कुल से होंगे। क्योंकि मंगल तो आपका पति है, किंतु मंगल का, मंगल को अपने जीवन में लाने के बाद आप मंगल के जिस धर्म का पालन कर रहे हैं वह गुरु है। एक स्त्री अपने 80 वर्ष के जीवन में 20-25 वर्ष अपने पिता के घर रहती है, पिता के धर्म का पालन करती है। उसके बाद अगर हम देखें तो 80 वर्ष में से लगभग 50 से 60 वर्ष वह पति के धर्म का, पति के कुल का पालन करती है। तो इसलिए किसी स्त्री का जो मुख्य धर्म माना जाता है वह पति का ही धर्म माना जाता है। आपने हाल फिलहाल में ही सुना होगा, कल ही शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने एक मुस्लिम से शादी की। सोनाक्षी सिन्हा ने इंटर रिलीजन मैरिज की। अब सोनाक्षी सिन्हा के इंटर रिलीजन मैरिज के अगर हम जन्म कुंडली में योग देखेंगे तो आप देखेंगे कि सोनाक्षी सिन्हा की जन्म कुंडली में या हर उस स्त्री की जन्म कुंडली में जिसने इंटर रिलीजन मैरिज की है, गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित अथवा पाप प्रभाव में होगा। जब तक किसी स्त्री की जन्म कुंडली में गुरु पीड़ित अथवा पाप प्रभाव में नहीं होगा, तब तक ऐसी स्त्री इंटर रिलीजन मैरिज नहीं करेगी, इंटर कास्ट मैरिज भी नहीं करेगी। इंटर कास्ट मैरिज में भी जहां पर कि दोनों की जो कास्ट है बिल्कुल अपोजिट है, जहां पर कि स्त्री का धर्म, जिस धर्म में उसका जन्म हुआ वो बहुत ऊंचा हो और जिस धर्म में वो ब्याही है वो धर्म अगर बहुत नीचा है, तो आप देखेंगे गुरु कहीं ना कहीं पाप प्रभाव में पीड़ित होगा ही होगा। और इसको मैं आज आपके सामने कुछ उदाहरण कुंडलियों से डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपके सामने कुछ ऐसी जन्म कुंडलियाँ रखने वाला हूँ जहाँ पर कि लड़कियों ने इंटर रिलीजन मैरिज की है। सबसे पहले बात करेंगे सोनाक्षी सिन्हा की। देखिए सोनाक्षी सिन्हा की जहाँ तक बात करते हैं तो यह बात तो बहुत वर्ष पहले स्पष्ट हो गई थी कि सोनाक्षी सिन्हा को सनातन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, हिंदू संस्कृति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। KBC में जब सोनाक्षी सिन्हा आई और अमिताभ बच्चन जी ने रामायण को लेकर एक बहुत ही सरल सा उनसे प्रश्न पूछा तो वे उसका उत्तर नहीं दे पाई थी। तो यह तो स्पष्ट हो गया था कि सोनाक्षी सिन्हा की जो परवरिश हुई है वो सनातन सिद्धांतों के अनुसार नहीं हुए, उनको धर्म का, हिंदू धर्म का कोई ज्ञान ही प्रदान नहीं किया गया। और सोनाक्षी सिन्हा ने यह इंटर रिलीजन मैरिज करके यह भी स्पष्ट कर दिया कि पिता का नाम शत्रुघ्न और घर का नाम रामायण होने से किसी के अंदर सनातन के हिंदुत्व के संस्कार होंगे यह जरूरी नहीं है। और इसलिए मैं सभी से कहता हूँ कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएं। सभी से आग्रह करता हूं, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, जो थोड़ा भी मुझे पसंद करते हैं, उनसे आग्रह है कि वो अपने घर पर सनातन की बात करें, हिंदुत्व की बात करें, क्योंकि हमारा धर्म बहुत विस्तृत है, बहुत सुंदर है। जब हमारे धर्म के लोग दूसरे धर्म में जाते हैं और ऐसे धर्म में जो कि कुल 1400 साल पुराना है, जिसका अपना कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, कोई आगे पीछे का नहीं पता, तो ऐसे धर्म में जाते हैं तब निसंदेह बहुत ही अच्छा नहीं लगता। तो सोनाक्षी सिन्हा की अगर जन्म कुंडली में देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गुरु पति का कारक है, तो आप देखेंगे इनकी जन्म कुंडली में गुरु मीन राशि में बैठे हैं और यहाँ पर गुरु के साथ में राहु है। गुरु और राहु का योग अर्थात धर्म और धर्म पर जो प्रभाव है वो है विद्रोही प्रभाव, वो है एक ऐसा प्रभाव जो कि मुस्लिम धर्म को इंडिकेट करता है। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो राहु को मुस्लिम धर्म का कारक माना गया है। जब भी आप देखें किसी स्त्री की जन्म कुंडली में राहु गुरु के ऊपर प्रभाव देगा तब कोई लड़की अपना धर्म परिवर्तन कर सकती है। पुरुष की कुंडली में भी अगर किसी पुरुष की कुंडली में गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव है तो ऐसा पुरुष कई बार या तो उस विचारधारा का होगा कि मैं किसी धर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता,
मैं किसी विचारधारा में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता। जिनकी भी जन्म कुंडली में गुरु और राहु का संबंध होता है वे लोग अपनी एक सोच के साथ चलते हैं और वो उसी को सही मानते हैं, और इसी वजह से इस योग को चांडाल योग कहा गया हुआ। क्योंकि चांडाल योग से तात्पर्य यह है कि ऐसा योग जो कि धर्म विरुद्ध हो। अब गुरु धर्म का कारक है और राहु क्या है, राहु विद्रोही था, धर्म का विद्रोही, और इसलिए इस योग को गुरुद्रोह ईश्वरद्रोह योग भी कहा गया है। क्योंकि अगर आप अपना धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं तो आप अपने पूर्वजों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिन पूर्वजों ने, जिन आपके महान जन्मदाताओं ने जिस संस्कृति का पालन किया, आपने उस संस्कृति को ही नकार दिया, उस धर्म को ही नकार दिया, तो आप कहीं ना कहीं पितृविद्रोह कर रहे हैं, गुरुद्रोह कर रहे हैं, ईश्वरद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी आस्था का परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसलिए गुरु पति का धर्म है और पति के धर्म पर राहु का अर्थात मुस्लिम का प्रभाव है, तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि किसी स्त्री की जन्म कुंडली में यह देखकर ही अगर गुरु राहु का योग है तो वहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ऐसी लड़की इंटर रिलीजन या इंटरकास्ट मैरिज की तरफ जा सकती है। हालांकि हमारे पास जो भी जन्म कुंडली मैं आपके सामने रखने वाला हूँ उनमें जन्म कुंडली का सही समय उपलब्ध नहीं है, और नाड़ी ज्योतिष के अनुसार अगर हमारे पास केवल एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ है तब हम उससे किसी जन्म कुंडली का विशेषण करते हैं, व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जीव लगन के आधार पर इस जन्म कुंडली का विश्लेषण किया। जीव लगन के आधार पर जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम शुक्र कुल लगन में रख लेते हैं। अब धर्म के कारक गुरु पर राहु का प्रभाव है तो यह दिखाता है कि इन्होंने इंटर रिलीजन मैरिज की है। अब हमारे पास किसी स्त्री का अगर जन्म का बिल्कुल सही समय उपलब्ध है तो आप देखेंगे कि सप्तम भाव, सप्तमेश और मंगल पर भी इसी तरह के प्रभाव होंगे। इसके बाद आप देखेंगे हेमा मालिनी, बहुत चर्चित नाम है, आप सभी जानते होंगे, सभी ने हेमा मालिनी की बहुत सारी मूवीज देखी होंगी। इन्होंने धर्मेंद्र से शादी करने के लिए हिंदू धर्म का त्याग किया, ये मुस्लिम हो गई। ये अगर मैं कहूं, मेरी भाषा में अगर मैं कहूं तो ये अवसरवादी हिंदू है, क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया, मुस्लिम हो गई। उसके बाद आज ये अपने आप को हिंदू ही प्रदर्शित करती हैं, हमारे धर्म स्थानों पर घूमती हैं, और यह तो हम लोगों की कमी है कि हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। हेमा मालिनी के ऊपर मैंने पहले भी एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं कि किन योगों की वजह से उन्होंने ऐसा काम किया। और हेमा मालिनी की भी जन्म कुंडली में अगर आप देखेंगे तो गुरु इनका धनु राशि में बैठा है और राहु इनका मेष राशि में बैठा, और नाड़ी ज्योतिष के नियमानुसार एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव आ गया, अर्थात धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करके वो मुस्लिम हो गई। इसके बाद अगर आप देखेंगे गौरी खान, शाहरुख खान की पत्नी, गौरी खान की जन्म कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो गुरु इनका यहाँ तुला राशि में है और राहु यहाँ कुंभ राशि में है। तो यहाँ पर भी गुरु और राहु का त्रिकोण संबंध बन गया, 5 और 9 का संबंध बन गया। तो यहां पर भी गुरु के ऊपर राहु के प्रभाव ने इनको वो मेंटेलिटी दी कि वो अपना धर्म बदल सके, अपनी जाति बदल सके। इसके बाद अगर आप देखेंगे उर्मिला माटोंडकर, एक समय बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रही है, अगर आप इनकी जन्म कुंडली में भी देखेंगे तो यहां पर गुरु इनका नीच राशि में बैठा है, अतः धर्म को नीचता प्राप्त हो रही है। धर्म को नीचता प्राप्त होने का कारण इनके जीवन में यही आया, प्रभाव यही आया कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, उन्होंने एक मुस्लिम से विवाह किया। इसके बाद अगर हम देखें तो धर्म की राशि जो कि धनु राशि कही जाती है वहां पर राहु का प्रभाव है, तो ऐसे में गुरु राहु का योग स्वयं से बन जाता है, बाकी गुरु तो नीच का है ही। इसके बाद अगर आप देखेंगे किरण राव, आमिर खान की पूर्व पत्नी, इनकी जन्म कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो गुरु नीच के होकर बैठे हैं, गुरु नीच के हुए अर्थात धर्म से विद्रोह करने की मेंटेलिटी दी, और इन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन करके विवाह किया, हालांकि वो विवाह इनका चल नहीं पाया, सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके बाद आप देखेंगे वर्तमान में न्यूज़ आ रही है कि जरीन खान अपना धर्म परिवर्तन करके किसी हिंदू लड़के से शादी करने जा रहे हैं, तो उनकी जन्म कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो गुरु और राहु के योग बनते हैं। तो यानी कि गुरु राहु का यह योग
अगर किसी स्त्री की जन्म कुंडली में मिलता है तो ऐसी स्त्री की बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि वह अपना धर्म परिवर्तन करके, अपनी जाति परिवर्तन करके विवाह की तरफ जा सकती है, क्योंकि यह धर्म का विरोध करने वाला, ईश्वर द्रोह करने वाला, गुरु द्रोह करने वाला योग ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है।